नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा पिछले 135 दिनों से राजधानी रायपुर में धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि इन कर्मचारियों की मांग अपने पूर्णकालिक नियमितीकरण की है। कर्मचारियों ने की बताया कि वर्तमान में प्रति माह 2300 की दर से मानदेय भुगतान किया जा रहा है। इतने कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण कर पाना असंभव है। इस तरह हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, इससे जीवन यापन करना कठिन हो गया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन में आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी, पर सरकार के 3 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके हैं परंतु हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों की खाली करने की मांग संघ ने की है। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों को खाली करने की मांग संघ ने की है। शासन प्रशासन सचेत हुई है, लगातार चर्चा का दौर चल रहा है। आज ही मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं माननीय विधायक महोदय अभी 10 बजे हमसे चर्चा किए हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हम लोगों का हड़ताल जल्दी से समाप्त हो, और उनके तरफ से आज इशारा मिला है कि अभी मुख्यमंत्री महोदय जी गौरेला पेंड्रा दौरे पर हैं, वहाँ से जैसे ही आते हैं आप लोगों की चर्चा मुख्यमंत्री से कराया जाएगा। हमारी एक ही मांग है, हमें अंशकालिक से पूर्णकालिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। पिछले 7 मार्च से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और शासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमारी एक तुच्छ मांग है भाई, आपके एक जो छोटे से कर्मचारी की स्कूल सब छत्तीसगढ़ है, मैंने पूरे प्रदेश में देख लीजिए, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जिसको 2300 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जो स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2300 रुपये महीने मिलता है, और 2300 रुपये में महीने में परिवार का भरण पोषण करना आज की महंगाई के दौर में असंभव है। कितनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं ये हम स्कूल सफाई कर्मचारी ही जानते हैं, और शासन को हम बार बार अवगत करा रहे हैं परंतु अभी तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। परंतु जैसे ही स्कूल खुला है वहाँ छोटे बच्चे द्वारा साफ़ सफाई कराया जा रहा है, और साफ़ सफाई के दौरान वहाँ के जो बच्चों का हानि हुआ है, कई बच्चों का मृत्यु हो, उसे शासन प्रशासन संज्ञान लेते हुए चर्चा का दौर प्रारंभ किया गया है। राजन कुमार साहू, प्रांत अध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ। जी, हम लोग आज 140 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब सोचिए, आज हाँ जिस बच्चे के हाथों में कापी पुस्तक होनी चाहिए, आज उनके हाथों में इस सरकार ने झाड़ू, टॉयलेट ब्रश, हॉर्पिक फिनाइल पकड़ा दिए। मैं पूछना चाहूँगा इस सरकार से, क्या ये सरकार हम गरीब के बच्चों को इसीलिए स्कूल में बुलाया जा रहा है? जब इन सरकार अपनी व्यवस्था नहीं कर सकती, अपने जन घोषणा पत्र वादा को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे झूठे वादे क्यों दिए जाते हैं, ऐसे झूठे आश्वासन क्यों दिए जाते हैं? क्या सरकार सिर्फ सत्ता पाने के लिए ऐसे झूठे आश्वासन दिया जा रहा है? मैं उस सरकार से ये पूछना चाहूँगा, क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षा इसी की ओर बढ़ रहा है कि बच्चे के हाथों में झाड़ू पकड़ाया जा रहा है? कई ऐसे बच्चे हैं जो साफ़ सफाई करते हुए उसका देहांत हो गया, कई एक दुर्घटना हो गई। अब तो शासन प्रशासन होश में है, कब तक ऐसे खिलवाड़ चलता रहेगा? इसी वजह से तो ही छत्तीसगढ़ सरकार के रणनीति के तहत ही ये जो आज छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति जो है, शिक्षा जो है बहुत निचले स्तर पर गिर रही है। मैं जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार साहू, क्या लगता है किस दिक्कतों का सामना करें सरकार को? हमें तो यहाँ पे बहुत मुसीबत हो रही है, यहाँ रहने बसने की इतनी दिक्कत हो रही है पानी बरसात में। हम तो बस हमारी एक ही सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए नियमितीकरण। अगर हमको सरकार हमारी बातों को संज्ञान में लेती है तो हम तत्काल धरना स्थल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार एक तरफ शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे अवार्ड ले रही है, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हर 14 साल से 18 साल तक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई के लिए दे रहा है आश्वासन, तो फिर आज हर बच्चे 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चे आज स्कूल में झाड़ू लगा, कहाँ गई वो शिक्षा नीति और कहाँ गई वो स्वास्थ्य मंत्री जो जिसने ये सब चीज़ कहा था कि नहीं हर बच्चे को पढ़ना है, हर जगह किसी के साथ शोषण ना हो। आज हमारे साथ सिर्फ हमको 2 घंटे का मान्य दे दिया जाता है, लेकिन हमको पूरा 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रोका जाता है स्कूल में। हमारे साथ तो शोषण हो ही रहा है, बच्चों के साथ भी शोषण हो रहा है। आप मीडिया वाले हो, मैं आपसे एक ही बस कहना चाहती हूँ कि आप हमारे बातों को आप फैला रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी एक ही सूत्री मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, अगर हो जाता है तो हम धरना स्थल को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है दुर्गा देवी चाटा, मैं हूँ कैंकर जिला से और प्रदेश महिला बाल प्रकोष्ठ अध्यक्ष। उम्मीद पे
तो इतने दिन से हम बैठे हुए हैं, इतने दिन से बैठे देखिए बहुत से हमारे परेशानी, हम लोग का स्वास्थ्य भी अब ख़राब होने लगा है मौसम के वजह से। यहाँ इतने दिन धूप में और बरसात आ गया, स्वास्थ्य भी ख़राब, बहुत से परेशानी हमको झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, तो आखिर में मर ही तो रहे हैं, आखिर में मरेंगे भी, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक चाहे मर जाएं, यहाँ से हम लोग अपना धरना स्थल छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए हम शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो एक छोटी सी मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। मेरा नाम पंचम दास, कोरबा जिला अध्यक्ष है।